हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक नई वीडियो लाए हैं और आज हम लोग ट्रेन में जाने वाले हैं। और देखिए, ये हम लोग का लगेज है, बैग है, और हम लोग अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हाँ, अभी गाड़ी आएगी यहाँ पे। हाँ, ये गाड़ी आएगी, ये गाड़ी आ रही है। और हम लोग आपको फिर अभी गाड़ी में मिलते हैं। अभी हम लोग आपको गाड़ी में मिलते हैं। देखिए, गाड़ी आ गई। अभी हम लोग आपको गाड़ी में मिलते हैं और अब फिर हम लोग ट्रेन से चलेंगे। और हम लोगों की ट्रेन का नाम है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12314। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आएगी वो। तो चलिए, अब गाड़ी में मिलते हैं। बाय घर। तो दिखे धूप बहुत हो रही है। उस तरफ जाओ तो। आगे तीन सामान ऊपर है ना, इसको निकाल लो। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल गए हैं। नीचे लोग ठीक है। हाँ, सही है। मिल गई जगह? हाँ जी, मिल गई। माँ सबका तुम्हारे पास है ना? हाँ। अभी तो यहाँ छोड़ दो, आगे तो नहीं, कोई नहीं पूछता। दोस्तों, अभी दोपहर के 2:40 हो रहा है और हम लोग गाड़ी में हैं। कीड़ा उड़ा, कीड़ा। काफी दर्द आएगी ना, पकड़ तो सकती हूँ। गर्मी लगी, गर्मी तो लगी। इसी इस बार तेज कर दो भैया, पीछे से नीचे आती नहीं, आगे तो ठीक है। तो आदत पड़ी लगाने की, सही। दोस्तों, हम लोग की ट्रेन का नाम है ट्रेन नंबर 12314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, NDLS से CNB जाने वाली। हम लोग उसमें जाएंगे और दोस्तों, मेरी सियालदह राजधानी में अपर बर्थ है और मेरी बहन की मिडल है और पापा जी की लोअर है, मम्मा की भी मिडल है। हम लोगों का कोच है B4 कोच है हम लोगों का, 3rd AC। ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, नाम ही रखा गया। ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, देखा ना, मैंने कांकोर होना चाहिए था स्कूल में ही ना। हां, मार्केट में ये हो गया क्या? अब अंगुली उधर वो सारा करना पड़ा। दोस्तों, देखिए मेरे पास क्या है। ठीक है, पॉपेट और ये वाला भी, तो चलिए इससे खेलते हैं। खिलाने वाले भी बहुत है, खाने वाले। कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, आप निकल जाओ भूखे पे तो भूखे रहोगे।
देखिए ये ना एक टाइप का एक नया बिस्किट है, पोटैटो बिस्किट, चलिए दिखाते हैं। अरे यार अब रुक जा, हम गाड़ी चलाते बाद में करेंगे। पापा जी की बर्थ नंबर है 60, मम्मा का 58 है, मेरा 59 है और मेरी बहन का है 61। थैंक यू मम्मा। टॉफी, चलिए खाते हैं। ट्रेन नंबर 12314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आएगी। पापा जी की 60, 58, 59 और 61। नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल कोच B4 ओला। नीचे तो बात ही नहीं, रेलवे स्टेशन उधर है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ी देर में बस रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो रेलवे स्टेशन आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर कुछ बीच में अगर अच्छा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों चलिए टाइम देखते हैं, टाइम हो रहा है 3:35 और हम लोग एक कहीं आ गए हैं कुछ। हाँ तो अभी रेड लाइट थी, अब ग्रीन लाइट हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है। और अब टाइम हुआ है 3:37। अब मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था टाइम। तो दोस्तों हम लोग अभी 15-20 मिनट लगेगा पहुंचने में, और अभी हम लोग थोड़ा दूर हैं और बार बार रेड लाइट भी आ रही है। दोस्तों देखिए वहाँ एक कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है ट्रेन, उधर आप छोटा सा देख सकते हैं उधर उस तरफ करते हैं ना। हाँ। और दोस्तों अभी हम लोगों को, मैंने अभी आपको एक कानपुर शताब्दी वाली एक्सप्रेस दिखाई थी, एक बार हम लोग उसमें भी गए थे, और हम लोग बस कुछ ही मिनट पे पहुँचने वाले हैं और मैं अभी आपको दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए 3:59 टाइम हो रहा है 3:59 और अभी ट्रेन आ गई होगी, हम लोगों की आ रही होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आ गया, हाँ भाई यहाँ तो अंदर जाना है। वो जो बाहर जो ये गोल गोल गेट ब्रिज टाइप जो दिख रहा है ना, वो वही है। तुम घूम के है ना, वो रोड भी तो थी उससे निकलने की, ट्रैफिक के चक्कर में। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट, देखिए दिखा देते। मैं सोच रहा था वो दिखा दूँ मैं, लेकिन पार्किंग कर रहे हैं हम लोग, पहुंच ही गए हम लोग बस। कच्चा आम खाने चक्कर में लगा हुआ कितना कच्चा आम लगी है थी, नहीं कच्चा आई, मेरा हाथ दब गया। कहाँ दब गया बेटा हाथ? मैंने ये मैं अपने तरफ हूँ, मैं सिर्फ दे रही थी। खुली है यहाँ पे इतने सारे। तो चलिए दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और अब हम लोग अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।
और अब चलिए अब अपने ट्रेन पे देखने चलते हैं। चलिए गाड़ी रुक गई, चलिए निकलते हैं। उतरू मम्मा? दोस्तों चलिए अब चलते हैं। सामान सारा हो गया? मास्क लगा लो भैया, मास्क जरूर। चलिए अब चलते हैं। आप देख रहे हो? दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको ट्रेन का तो नहीं दिखा पाया। और देखिए अब हम लोग अपने सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाया इसलिए क्योंकि हम लोग के पास कम टाइम था। और वहाँ पे शिवगंगा एक्सप्रेस लगी हुई है और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आई थी, तो वो 14 पर लगी होगी। दोस्तों की ट्रेन चल चुकी है। रिवर यमुना आया मेरा। कौन कौन सी चीज़ है बताओ? तो दोस्तों हम लोगों को नाश्ता मिला है और इसमें है, इसके अंदर है नमकीन, कचौड़ी, जूस, चाय सामग्री और ये सोन पापड़ी। तो चलिए पहले खा के देखते हैं। चलिए पहले ये खा के देखते हैं, इसे खा के देखते हैं। बहुत अच्छी थी। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। इसे कोई
किसी एक को एक दर्जन नहीं मिलता। ये मैं बचा के रखूंगा। रियली नमकीन देखते हैं, मैजिक मिक्स। हाँ तो अभी खुल गया है, चलिए अब देखते हैं इसे खा के। इसमें तीखा भी था, इसलिए अभी हम लोग थोड़ी सोन पापड़ी खा लेते हैं। उसके साथ ये भी मिला है चम्मच, तो चम्मच निकाल लेते हैं। हमें एक लकड़ी का स्पून मिला है। तो अब सोन पापड़ी खोलते हैं। यही होती है, यही होती है, कब मिलती है?
दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये चाय कैसी है। वैसे चाय अच्छी तो है लेकिन गर्म में सभी में ठंडा करके पीना जा रहा हूँ। अच्छा है थोड़ा सा ये क्या एक और ड्रामा है। इसमें चार्जर लेके चलो। अरे वाईफाई भी भाई वो मेरा पिला को लग गया। है ना बेटा बिस्तर लग रहा है। मिडिल सीट बर्थ है। चढ़ो नहीं मुझे सर में नमा नहीं हो। गुड नाइट मीनू। मीनू नींद आ रही है। दोस्तों देखिए वो मेरी अपर बर्थ। तो दोस्तों इस समय मैं अपनी अपर बर्थ पे हूँ। मेरी ये है और चलिए मैं सोच रहा हूँ हमें कुछ और अब खा लेना चाहिए। तो मैं ये लाया हूँ। ये पोटैटो वाला बिस्किट है और अब चलिए इसे खोल के खाते। तो देखिए ये वाले बिस्किट कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने आपको शायद गाड़ी में बताया था कि मैं इसे ट्रेन में खा लूँगा। तो चलिए अभी इसे खाते हैं। तो दोस्तों देखिए खाना भी आ गया है और चलिए अब खाते हैं। डिनर में मिला है ये है चावल और ये दही है
हमें एक स्पून भी मिला है लकड़ी का, और एक रोटी है और दाल है और ये सब्जी। मिका से ऑटो से जाना सही रहेगा ना? चल रहे, देखते हैं बेटा क्या करना है। ठीक है, ट्रेन हो गया। चल बंद। तो कानपुर सेंट्रल आ गया है और अब हम लोग निकलते हैं। बाय दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।